गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। वी टेस्टिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कशन अबाउट टेस्टिंग एंड डिफरेंट टेस्टेज। नाउ डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। फर्स्टली वी start chew. When you put something in your mouth, our mouth has salivary gland, release saliva and chew food slowly. Then saliva mix in that food and help to swallow our food. जब आप कोई भी चीज़ मुँह के अंदर डालते हैं तो वो क्रश करते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आपके माउथ के अंदर साल्वरी ग्लैंड होती है जो रिलीज करती है, हिडन ग्लैंड्स होती है जो कि दिखाई नहीं देता, वो सलाइवा रिलीज करती है और वो सलाइवा आपका जो फूड होता है वो फूड के को हेल्प करता है सॉलो करने में। तो नाउ वी डिस्कशन अबाउट च्यू इट आर च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है च्यू करना और अच्छी तरह से चबा के खाना। च्यू इट वेल, व्हेन यू पुट समथिंग इन योर माउथ यू सी, व्हेन यू पुट समथिंग इन योर माउथ यू सी, जैसे आपने उस बच्चे को देखा वो क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी खा रहा था, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो उसके जो पार्ट्स होंगे बड़े बड़े होंगे वो सालों में करने में भी आपको मुश्किल होगा और उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है जब आपके स्टमक में जाएगा तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से आप जब कोई भी चीज़ स्लोली धीरे धीरे चबा चबा करके खाएंगे तो उस जैसे इस बच्चे को देखिए, ब्रेड लिया हुआ है और ये स्लोली उसको च्यू कर रहा है तो इससे उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। कहते हैं और जो पार्टिकल्स हैं फूड पार्टिकल्स वो छोटे पार्ट्स में हो जाएंगे और सॉलो करने में भी आपको इजी होंगे। तो कोई भी चीज़ हमें खाने से पहले अच्छे तरह से चबा चबा करके खाना चाहिए। तो च्यू इट एंड च्यू इट वेल यू सी डिफरेंट। आपने देखा इन बच्चों को कैसे खा रहे हैं और जो बच्चा जल्दी खा रहा है उसको क्या मुश्किल होगी। जैसे आप अपने घर में भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो फूड आइटम्स को हमें स्लोली और च्यू करके अच्छी तरह से खाना चाहिए।